हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज मंडे और आज मैं अपना व्लॉग लंच टाइम से शुरू कर रही हूँ। अभी आफ्टरनून का 1:10 हो गया है और हाँ, मेरी घड़ी अब ठीक हो गई, मैंने सेल डाल दिया इसमें, सो यू ऑल कैन सी अभी 1:10 हो रहा है और अभी मैं कुकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ लंच एंड डिनर के लिए। तो मैंने जो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने शेयर किया था कि मैंने किस तरह से चॉप करके रखा है वेजिटेबल्स फ्रीजर साइड में भी और फ्रिज साइड में भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उन्हीं को बना के आपको दिखाऊं कि मैं किस तरह से यूज करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो दिखाया था पपीते वाला दाल, तो ये आई हैड शोन ऑल ऑफ यू कच्चा पपीता जिसको मैंने काट के रखा है और इसको कट किए हुए ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज हो गया और अभी तक बिल्कुल फ्रेश है, ये देखिए। तो अब मैं इसको वॉश करके तूर दाल बनाऊंगी इसके साथ। तो मैंने दाल को वॉश कर लिया है, अब इसको वॉश करके दाल में ऐड कर दूंगी, बॉईल करूंगी, बाद में तड़का डालूंगी। और उसके साथ आज बनेगा ब्लैक पेपर चिकन। तो मैंने दही और ब्लैक पेपर को थोड़ा सा पाउडर कर लिया था, कोट्स पाउडर कर लिया था, तो अब उसके साथ मैंने मैरिनेट कर दिया है, ऑलमोस्ट 1/2 आवर से ऊपर हो गया है। तो अब मैं ये पेपर चिकन बना लूंगी और फ्रीजर साइड में मैंने भिंडी रखा हुआ है, उसको मैंने अभी निकाला नहीं, जब मैं बनाऊंगी तब तुरंत निकाल के डायरेक्ट कढ़ाई में डालूंगी। तो आज भिंडी फ्राई बनाऊंगी वो जो मैंने फ्रीजर में रखा था उस वाले भिंडी से। तो चलिए 2 बजे तक लंच बनाना खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज लेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट कुकिंग। और हाँ, अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा वो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग जरूर चेक करना, अच्छा लगेगा और आपको शायद आइडियाज भी कुछ मिल सकते हैं अपने लिए भी। जो भी मेरे वीडियोस अभी इस वक्त देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, और जो सब्सक्रिप्शन टैब के पास जो एक नोटिफिकेशन वाला बेल आता है उसको जरूर हिट कीजिएगा, इससे जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और ये याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, जिससे कि मेरे वीडियोस और भी कई लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आप फटाफट शुरू करते हैं लंच बनाना और अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं चॉपिंग कर लेती हूँ और फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने दाल को धो लिया है और उसमें थोड़ा सा टमाटर काट के डाला है और पानी है इसमें, और अब मैं इसमें पपीते को डाल रही हूँ। साथ में नमक एंड टर्मरिक पाउडर दे रही हूँ, इसके साथ में मिक्स करके बॉईल करने के लिए डाल दूंगी। तो ये जिंजर गार्लिक मैं अभी पील करके एकदम फाइनली चॉप कर लूंगी चिकन बनाने के लिए, और ये जो कुछ गार्लिक है इनको मैं पील करके चॉप कर लूंगी रफली, और इसको मैं दाल में ऐड करूंगी फॉर द तड़का। तो फिलहाल चॉपिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट। फॉर द चिकन मैंने सिर्फ जिंजर गार्लिक को एकदम डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा चिकन में।
ये मैंने दही और ब्लैक पेपर के साथ मैरिनेट कर रखा है, मैं इसको ऐड करूंगी और थोड़ी देर बाद नमक ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार, और कवर करके कुक करूंगी, कोई पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। बट हाँ, लास्ट में एकदम जब एक चिकन कंप्लीट हो जाएगा कुक, एकदम कंप्लीटली कुक्ड हो जाएगा, एंड दैट टाइम आई विल ऐड अ लिटिल मोर ऑफ क्रश्ड ब्लैक पेपर टू इट। तो अभी मैं भिंडी बनाऊंगी, जो भिंडी आप लोगों ने देखा था उस दिन फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के वक्त, ये देखिए एकदम पत्थर हो गया है, तो इट्स मेकिंग साउंड कैसे। और अभी मैंने ऑयल को हॉट कर लिया है, आई हैव हीटेड द ऑयल इन द पैन, और इसको मैं ऑलमोस्ट 1 मिनट पहले लाई थी, तो थोड़ा सा ये जम जाता है तो उसको थोड़ा निकाल लिया, और ये देखिए एकदम पत्थर टाइप हो गया ये। तो नाउ आई एम डायरेक्टली एडिंग इट टू द हॉट ऑयल, फ्रीजर से डायरेक्ट हॉट ऑयल में डालूंगी। मैं सिंपल फ्राई बना रही हूँ इस पर, बट आप कोई सब्जी टाइप भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको हॉट ऑयल में फ्राई कर लेना है, फिर जैसे आप सब्जी बनाते हो वैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं इस पर तो सिंपल ही बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सॉल्ट, टर्मरिक और रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, और लास्ट में ऑलमोस्ट कुक हो जाने के बाद आई विल ऐड सम अमचूर पाउडर, दैट्स इट। अभी दाल को तड़का लगाने के लिए आई एम एडिंग गार्लिक, ये जो मैंने गार्लिक चॉप किए थे उनको डाल रही हूं। गार्लिक थोड़ा सॉफ्ट हो जाने के बाद ही आई विल ऐड जीरा, ये मैं जीरा डाल रही हूं, जीरा ऐड कर रही हूं, देन होल कोरिएंडर सीड्स, एंड मस्टर्ड सीड्स। साथ में इस तरह से मैं 2 रेड चिलीज को, ड्राइड होल रेड चिलीज को तोड़ के डाल रही हूं, एंड हींग, बस तड़के में इतने डालूंगी, और इसके बाद मैं बॉइल्ड दाल को ऐड कर दूंगी इसमें। माई भिंडी इज ऑलमोस्ट डन, और 1-2 मिनट करने से हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर लास्ट में ऐड कर रही हूँ खटास के लिए। ये अपना भिंडी डन, मैं इसको बंद कर दूंगी।
और साथ में चिकन भी हो गया है मेरा, बट उसको बंद करने से पहले मैं थोड़ा सा और ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और ये 2 बजने के पहले ही मेरा लंच एंड डिनर इज रेडी। 1:10 में स्टार्ट किया था और ये और 5 मिनट बाकी है, तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में अपना 3 चीज रेडी, दाल, भिंडी फ्राई एंड पेपर चिकन। बस हो गया लंच एंड डिनर तैयार।